Praise the Lord. This is Waheed Anthony once again. Welcome to my channel. Today I'm gonna read from King James Version. जी, King James Version से आज हम पढ़ेंगे और पिछले जो दो वीडियोस हैं मेरी उसमें we read from कौन से याद है आपको कौन से वर्जन से पढ़ा था इंग्लिश के वर्जन से NIV न्यू इंटरनेशनल वर्जन से हमने पढ़ा था एंड इन माय थर्ड वीडियो आई एम गोना रीड फ्रॉम न्यू किंग जेम्स वर्जन से हम पढ़ेंगे और एक स्ट्रक्चर याद हो अगर आपको कि पिछले में मैंने बताया था गोइंग टू और मैंने अभी एक दो जुमला बोला बार बार आई एम गोना रीड ये जो गोइंग टू है इसी को अमेरिकन इंग्लिश में गोना रीड कहते हैं गोना गोइंग टू को गोना जो है वो पढ़ा जाता है तो अभी हमने पिछले लेक्चर में वर्स चैप्टर सेकंड एंड वर्स फर्स्ट टू 18th वर्स तक हमने पढ़ा था एंड नाउ हम पढ़ेंगे 19 वर्स से पढ़ेंगे 19 टू ऑनवर्ड चैप्टर सेकंड मैथ्यू चैप्टर सेकंड एंड वर्स 19 Now when Herod was dead, जब हेरोदीस मर गया, behold, देखो, an angel of the Lord, खुदावंद का एक फरिश्ता, appeared, जाहिर हुआ, in a dream, एक ख्वाब में, to Joseph, Joseph को, in Egypt, मिस्र में, जाहिर हुआ, saying, और ये कहा, या ये कहते हुए, verse 20, arise, उठो, take the child, बच्चे को लो, take the young child, बच्चे को लो, छोटे बच्चे को लो, and his mother, और उसकी माँ को, and go to the land of Israel, और इस्राएल के सरजमीन की तरफ जाओ, for those who sought the young child's life, जो बच्चे की जिंदगी को के पीछे पड़े थे, या उसको ढूंढ रहे थे, are dead, वो मर चुके हैं, verse 21st, Then he arose, फिर वो उठा, took the young child, छोटे बच्चे को लिया, and his mother, और उसकी माँ को, and came into the land of Israel, और इस्राएल की सरजमीन में आ गया. Verse 22 जो है, वो हम पढ़ेंगे. But when he heard, लेकिन जब उसने सुना, that Archelaus was reigning over Judea, के अर्कलिस जो है वो हुकूमत कर रहा है यहूदिया में इंस्टेड ऑफ हिज फादर उसके बाप की बजाय वो हुकूमत कर रहा है इंस्टेड ऑफ बजाय ही वॉज अफ्रेड टू गो देयर और वो वहां जाने से डरा एंड बींग वॉर्न्ड बाय गॉड और बींग वॉर्न्ड बाय गॉड मतलब खुदा ने इंतबाह किया खुदा ने इनको खबरदार किया NIV में Being warned की जगह पे पीछे भी हमने पढ़ा और इसमें भी वहां पे लिखा हुआ है having been warned यानी कि ये भी एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम सीखते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा काम दो काम यहाँ पे हुए लेकिन पहला काम ये वाला हुआ being warned यानी कि पहले खुदा ने उनको इंतबाह किया having been warned या and being warned और खबर पाकर खुदा ने उसे इंतबाह किया या खबरदार किया इन अ ड्रीम खुदा ने ख्वाब में ही टर्न्ड असाइड इनटू द रीजन ऑफ गलील और वो कहाँ चला गया वो गलील के इलाका में चला गया वर्स 23 एंड ही केम और वो आया एंड डिवेल्ट और बसा वहाँ रहा In a city, शहर में called Nazareth. किस शहर में रहा Nazareth में नासरत यानी कि उर्दू में हम अगर पढ़ें तो वो नासरत है That it might be fulfilled, ताकि ये पूरा हो अब वहाँ पे NIV में लिखा है was fulfilled. अब यहाँ पे might be fulfilled, ताकि ऐसा हो पूरा हो which was spoken, जो कहा गया था by the prophets. नबियों की मार्फत अब ये भी पैसिव है कि जो नबियों की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो क्या ही शैल बी कॉल्ड अ नाजरीन कि वो नासरी कहलाएगा अच्छा ये फ्यूचर टेंस है फ्यूचर इनडेफिनेट का पैसिव वाइज है ये लास्ट जुमला जो है
आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि शेल जो है वो सिर्फ आई और वी के साथ आता है, लेकिन यहाँ पे आप देखें ही के साथ शेल आया हुआ है। फ्यूचर इंडेफिनेट पे मेरा एक लेक्चर है, आप सुने उसको, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताई हुई हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे मैं बताता चलूँ। पहले नंबर पे तो जो प्रोफेसी होती है ना, उसको नॉर्मली प्रोफेसी जो है उसमें हम ये हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं क्योंकि उस पर जोर दिया जाता है। जैसे ही के साथ विल अगर आता हो ठीक, तो वो भी था, अमेरिकन इंग्लिश में ज़्यादातर यहाँ पे विल ही यूज़ होता है सबके साथ, और कुछ स्ट्रक्चर्स में शेल इस्तेमाल किया जाता है। आप मेरा लेक्चर सुने यूट्यूब पे, इसके बारे में आपको इन डिटेल समझ आएगी वहाँ पे। और ये पैसिव वाइज है, ही शेल कॉल का मतलब है कि वो पुकारेगा, बट ही शेल बी कॉल्ड, वो पुकारा जाएगा, कहलाएगा या पुकारा जाएगा। बी शेल बी विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगे तो पैसिव होता है, तो ही जहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, ही शेल बी कॉल्ड, वो कहलाएगा या पुकारा जाएगा, अनाजरीन वो नासरी कहलाया जाएगा। तो आज आप देखें, बड़ा छोटी सी वीडियो सादी सी, आप इसको ज़रूर नोट करें और आपको बरकत मिलेगी। आप इससे ना सिर्फ इसको लाइक करें बल्कि इसको शेयर ज़रूर करें ताकि आप बरकत पा सकें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।